नमस्कार प्रिय मित्रों, में ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए बोलने में कुछ परेशानी हो रही है। फिर भी आपसे निवेदन है कि थोड़ा कंप्रोमाइज कर लीजिए, क्योंकि आज मैं जो साधना बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही उत्कृष्ट, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत शक्तिशाली साधना है। दोस्तों, भारत में अनेकानेक ऐसे साधनाएं है जो एक दिन में सिद्ध हो जाती है। आज जो मैं साधना बताऊं वो भी एक दिन में सिद्ध होने की। मैंने कई साधना अपने चैनल पर दी है जो बेहतरीन से बेहतरीन साधना है, गोखरी विद्या की साधना है, बहुत सारे तांत्रिक ग्रंथों की उच्चोत्तर साधनाएं मैंने दी। आपने अब तक नहीं देखा है तो देखिएगा, और अब तक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनों को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर भी बहुत बेहतरीन बढ़िया से बढ़िया साधनाएं आती है। दोस्तों, आज जो मैं साधना दे रहा हूं ये धन से संबंधित साधना है। धन से संबंधित मैंने बहुत सारी साधनाएं दी, आप देखते हैं देता ही हूं। धन निकालने की साधनाएं, धन बरसाने की साधनाएं, धन प्राप्त करने की साधनाएं, धन में वृद्धि करने की साधनाएं, धन खींचने की साधनाएं, बहुत सारी साधनाएं मैंने दी भी है। और हमारे भारतवर्ष में ऐसी गुप्त गोपनीय साधनाएं मौजूद हैं। कुछ साधनाएं तो ऐसी है जो बिल्कुल लुप्त प्राय है, कहीं दिखाई नहीं देती। एक साधना हमारे गुरुजी द्वारा हमको प्राप्त हुई, ये नाथ पंथ में सर्वोच्च साधना मानी जाती थी, तारोरात्रि साधना। नाथ पंथ में जो सन्यासी हुआ करते थे वो कभी भी धन इकट्ठा नहीं करते, उनको जब भी धन की आवश्यकता होती थी कहीं ना कहीं से उनके पास आएगा ही आएगा। वो तारोरात्रि शक्ति थी जो समस्त बाधाओं को चीर कर, जैसे किसी ने टोना टोटका कुछ भी कर दिया उनको चीर कर, ग्रह नक्षत्रों की मार है उनको चीर कर, भाग्य में कुछ नहीं लिखा है उसको चीर कर साधक को धनवान बनाती है। ये साधना मैंने दो खास लोगों को करवाई थी, एक तो सऊदी अरब में थे, दूसरे भारत में अहमदाबाद में थे। उन्होंने मेरे को एक चीज़ गिफ्ट की, उनका कहा हुआ है कि ये बोलना नहीं है किसी को भी मेरा नाम और ये वस्तु के बारे में बताना नहीं है कि क्या दिया है। उन्होंने उस साधना को सफल किया, कपड़े के व्यापारी थे, व्यापार डूब गया, भगवान के दया से मैंने वो साधना करवाई और उसकी वजह से उनका काम वापस शुरू हो गया, फर्स्ट क्लास हो गया। उन्होंने अहमदाबाद बुला करके मुझे एक ऐसी चीज़ गिफ्ट की है जिसके बारे में मैं कह तो नहीं सकता, लेकिन बस इतना ही कह सकता हूँ। और एक सऊदी अरब के मेरे शिष्य हैं, उनको मैंने साधना करवाई, उन्होंने भी बहुत अच्छा गिफ्ट मेरे को भेजा, सऊदी अरब से ही भेजा। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी साधनाएं अपने भारत में मौजूद हैं। आगे भी हमारे गुरु कुशालनाथ जी महाराज हैं, वो एक विशेष साधना करवा रहे हैं जो 18 शक्तियों से चलती है, वो भी बड़ी जल्द वो साधना शुरू होने वाली है, उसके बारे में भी पूरा विवरण बताऊंगा। उसका पूरा किट बनेगा, उसमें दुर्लभ सामग्रियां हैं, उन सामग्रियों के द्वारा साधक क्या नहीं कर सकता, धन को हजारों दिशाओं से खींच सकता। जितना धन उसने आज तक अपने जीवन में कमाया नहीं उतना धन उसको प्राप्त होता रहे। उसके जीवन में जो कोई भी परेशानी है उसको परेशानियां उसकी मिट जाए, और 18 शक्तियों में से कोई एक शक्ति जो उसके जोड़ की होगी, जो उसकी औरा शक्ति के हिसाब से होगी, वो शक्ति उसके उसको प्रत्यक्ष दर्शन देगी और हमेशा उसके साथ उसकी रक्षा करेगी। ऐसी दुर्लभ साधनाएं जो कहीं मिलती नहीं है, ऐसी साधनाएं गुरुओं की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से हम आपके लिए लेकर आए। आज मैं ऐसी ही एक साधना आपके सामने उपस्थित करता हूँ जिसमें दिव्य शक्ति प्रकट होगी, दिव्य शक्ति आपको तत्काल धन प्रदान करेगी। और इस साधना में दिन वार नक्षत्र तिथि इनका कोई लेना देना नहीं, न कोई सिद्ध माला चाहिए, न कोई आसन की जरूरत है, न कुछ और, न कुछ और, न कुछ और, बस गुरु से दीक्षित होकर के इस मंत्र को प्राप्त करने की आवश्यकता है। ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि थोड़ी सी देर में, थोड़े से तिल होते हैं हाथ में, उनको फेंकते ही शक्ति
साधक पर मेहरबान हो जाती है और उसे दसों दिशाओं से धन की प्राप्ति करवाती है या तत्काल उसको मुंह मांगा धन प्रदान करते जाते हैं। ऐसी अद्भुत साधना है। इस साधना को करने के लिए दोस्तों आज मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं। जब भी इस साधना को करने का मूड हो, तीन मिट्टी की मटकियां लेकर उन तीन मटकियों को भर करके उन पर लाल वस्त्र बांध करके कलावे से उनको गांठ दे दे, नोट कर दे, नोट लगा दे तीनों मटकी। अब आप उस तिल लेकर के अपने साथ जाए, इसमें करना कुछ नहीं, इतनी सरल साधना आपने आज तक नहीं देखी होगी। तिल लेकर के जाए, तिल लेकर के जाए, जाना आपको नदी के बीचों बीच, जहां नदी बहती है वहां जाना है। कभी भी जाओ, कहीं भी नदी हो, जिसे आपको कोई कहेगा कि हमारे यहाँ नदी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जहां नदी हो आप वहां चले जाओ। नदी के बीचों बीच जाना, आपको बीचों बीच कैसे जाना है तो नाव किस लिए है, नाव लेकर के जा सकते हो। मछुआरे को या जो नाव चलाने वाला नाविक है उसको बोलो कि हमको बीचों बीच थोड़ी दूर जाना है, तुमको तुम्हारा जो भी दक्षिणा बनते हो उसको दे देना पैसा उसका। बीचों बीच जाकर के एक मंत्र बोलो और एक तिल आपको नदी में फेंकना है। दिशा कोई भी हो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कोई भी दिशा, किसी भी दिशा में आपका मुंह है, कोई दिक्कत नहीं। स्नान करके घर से जाना और वापस आके स्नान करना, दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है। एक मंत्र बोला, एक तिल फेंका, एक मंत्र बोला, एक तिल फेंका। तिल काला ही होना चाहिए, सफेद नहीं होना चाहिए, साफ होना चाहिए, गंदा बंदा उसमें से कचरा डस्ट वगैरह लगी हुई वो नहीं होनी चाहिए, साफ। एक तिल फेंको, एक मंत्र बोलो, एक मंत्र बोलो, एक तिल फेंको, इस प्रकार से आपको 72 तिल फेंकने हैं, 72 तिल फेंकने, 72 तिल समझ गए, 72 तिल आपको नदी में फेंकने। इधर आपने तिल फेंके नहीं कि आप में यदि प्रत्यक्षकरण की क्षमता है, थर्ड आई आपकी एक्टिवेट आपने कर लिए साधना के द्वारा, तो तुरंत आपको वो शक्ति वहां दर्शन दे देगी और कहेगी कि तुम्हारी मुराद में तत्काल पूरी करूंगी, एक दिन में या तत्काल हाथों हाथ, कैसे करेगी ये शक्ति पर डिपेंड है, वो दो दिन, पांच दिन में दे या एक दिन में दे, कैसे दे। लेकिन आपकी धन से संबंधित कोई भी रिक्वायरमेंट रहेगी उसको शक्ति तत्काल पूरा करेगी। इतनी अर्जुदा, इतनी स्पेशल, इतनी अद्भुत साधना। अब क्या है, आपको वापस घर आना है, घर आके फिर स्नान करना है, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके वो जो तीन मटकियां हैं ना जी, उन तीन मटकियों को आपको पहली मटकी के ऊपर से वो कपड़ा उतार करके उसको पिंपल में सींच के आना है, दूसरी को नीम के वृक्ष में और तीसरी को बरगद के वृक्ष में, इन तीन वृक्षों में तीनों मटकियों को आपको जल वहाँ प्रदान करके आना है। बस आपकी साधना पक्की है, आपकी शक्ति सिद्ध है और जो धन आपको शक्ति प्रदान करेगी वो धन आपके जीवन में बढ़ता ही रहेगा, घटेगा ही नहीं। आपके दिमाग में ऐसे ऐसे आइडिया आ जाएंगे, ऐसे ऐसे विचार आएंगे जिससे धन कई गुना बढ़ जाए, धन की मौलिकता बढ़ जाए, धन की गुणवत्ता बढ़ जाए, धन की वृद्धि होने लगे। तो इस प्रकार से आप धन का अति उत्तम सुख प्राप्त कर सकते। तो मंत्र यह है दोस्तों, मंत्र गुरु से दीक्षित होकर के लेना, फिर भी मैं बता देता हूँ, पूर्ण मंत्र आपको गुरु से दीक्षित होकर के ही लेना पड़ेगा। मंत्र है काल कल काली, नकाल हर काली, धन यर यम हट, इस प्रकार से मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके आप इस शक्ति को सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन हो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।